नमस्कार, मैं गोपाल नत्तुजी परदेशी गढ़री धुलिया महाराष्ट्र से आपसे संपर्क कर रहा हूँ। मैं पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस उप अधीक्षक दर्जे के हुद्दे से रिटायर हुआ हूँ और अभी खेती कर रहा हूँ। खेती पूरी तरह जैविक तरीके से करने के लिए हम प्रयत्नशील थे और उसके लिए हमको यूट्यूब के माध्यम से अलग अलग चैनल से जो मालूम मिली है उसके जरिए हमने डी वेस्ट कंपोजर का प्रोडक्ट महाराष्ट्र से ही बम्बई के फोकस बायोटेक कंपनी से प्राप्त किया था। उससे जो हमने 200 लीटर घोल तैयार किया था वो 200 लीटर घोल में से हमने बनाने का तरीका हमने पार्ट वन और पार्ट टू के जरिए आपको इसके पहले पेश किया है। अभी पार्ट थ्री के अनुसार अभी हम इस प्रोडक्ट से बनाया हुआ 50 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर के घोल से घोल अभी अलग टंकी में हाँ उतरे हाँ उस 50 लीटर की घोल में अभी हमने 20 लीटर यानी 20 किलो घोड़े के लिए एक सफ़ेद फड़ क्या चिंदी में बांधकर उसको 50 लीटर डिकम्पोजर के पानी में भिगो कर डाल दिया है और अभी उसको अपन 10 से 15 दिन तक डिकम्पोजर में रहने देंगे और उसके बाद में वो फिल्टर करके खेती के अलग अलग तरीके के हर अनाज के फल और फूलों पर छिड़कना है। उसके लिए स्प्रे मशीन से स्प्रे कर सकते हैं और इस स्प्रे करने से खेती के हर पिकन नखाए मन कर इस गोल का स्प्रे खेती के अंदर के हर अनाज के पेड़ों पर छिड़काव कर सकते हैं और ये छिड़काव हर 3 से 4 दिन के बाद में अलग अलग तरीके के डिकम्पोजर से बनाए हुए घोल का इस्तेमाल किया जाता है और इस घोल से हम जो पेड़ों पर छिड़काई करेंगे वो पेड़ अच्छे सशक्त तैयार हो गए, उनको कोई भी बीमारी होगी नहीं और उसका उत्पाद बढ़ेगा और वो पूरी तरह से जैविक तरीके से अनाज तैयार होगा, फल फूल तैयार होंगे। वो हर जो केमिकल वगैरह का उसमें कुछ भी यूज़ करना नहीं है और हम करने वाले नहीं हैं और इसके वीडियो के बनाने के बाद में हम अगला वीडियो और बाद में पेश करने वाले हैं। धन्यवाद।